हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ के सुबह 7 बज चुके हैं और 7 बजे का जो समय है वो है करंट अफेयर्स का। तो वेरी गुड मॉर्निंग जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सुबह सुबह आजकल 7 बजे उठना भी आप लोगों के बड़ा मुश्किल हो रहा होगा ना, लेकिन यार प्लीज़ देखो, सेशन को हमेशा आपसे मैंने यही बोला है कि सेशन देखा ज़रूर करो, भले ही फॉरवर्ड करके देखो, लाइव आके देखो, ऑफलाइन मोड में देखो, वॉट एवर, मतलब जैसे भी आपकी इच्छा हो, सेशन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी अगर एग्ज़ाम की बात करोगे, हर एक एग्ज़ाम के अंदर अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम जो कवरेज है वो आपको करंट अफेयर्स का ही देखने को मिल रहा है। ओके, राहुल जी, हरी, प्रिंस, संतोष, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलें आप शुरुआत करते हैं भैया कि सेशन में आज के हमें पढ़ना क्या है। ऑब्वियसली बात है, मंडे का दिन है, मंडे के दिन पर हम लोग सारे वो पॉइंट्स कवर करते हैं, चाहे वो सैटरडे की न्यूज़ रहे या फिर संडे की न्यूज़ रहे या फिर मंडे सुबह जितना भी कंटेंट होता है वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। अब देखो सेशन में क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें, हम लोग बात करेंगे कुछ एमसीक्यू की, एज यूजुअल जैसे कि एमसीक्यूज रहते हैं वैसे ही मिलेंगे। इसके साथ में हम लोग कनेक्ट करते हुए चलेंगे जितनी भी पुरानी न्यूज़ होगी। नेक्स्ट रहेगा आपका न्यूज़ का सेशन, उसके बाद आपको मिलेगी स्पोर्ट्स की न्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ में आज ज़्यादा नहीं है, आई थिंक एक या दो ही आपको न्यूज़ मिलेंगी, वो भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट रहेगा तेलंगाना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि मैम तेलंगाना स्टेट जो है प्लीज़ वो कवर कर दीजिए, तो मैंने सोचा कि आज तेलंगाना कवर कर लें। इसके बाद में आपको मिलेगी एक कंट्री, कंट्री में आज जो कंट्री डिस्कस करनी है वो कौन सी है, वो है ओमान। नेक्स्ट आपको मिलेगा IBPS के जो SO के एग्ज़ाम अभी हुआ है कल, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने सबसे पहला काम कर दिया होगा, क्या लिंक को फटाफट से कॉपी करो और जल्दी से सबको शेयर कर दो कि सबकी नींद खुल जाए। ठीक है, अब देखिए, ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आज दिन की शुरुआत एक थॉट के साथ तो बनती है, और मुझे ये भी पता है कि दिसंबर एंड आ रहा है तो आप लोग तो पार्टी वाले मोड पे ऑलरेडी जा चुके होंगे, लेकिन यार पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कितना भी पार्टी के मूड में क्यों ना चल रहे हो, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहला और अच्छा सा एक थॉट, सक्सेस इज स्वीट बट द सीक्रेट इज स्वेट, समझ रहे हो? मतलब अगर स्वीटनेस है तो फिर यहाँ पे स्वेट के बारे में तो बात करेंगे, यानी कि अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करना है, यानी अगर हम कह लें कि अगर लाइफ में सक्सेस आती है तो सक्सेस आने का सिर्फ एक ही यहाँ पर रीज़न होता है, और वो रीज़न है हार्डवर्क। तो कभी भी अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए बिल्कुल ये मत सोचा करो यार छोड़ो यार आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, अभी 3-4 दिन थोड़ा सा पार्टी वाले मोड पर चलते हैं उसके बाद आके फिर पढ़ लेंगे। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वो जो एक गैप क्रिएट हो जाता है ना, वो गैप को फिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। GA GS हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये वैसे सब्जेक्ट हैं कि आप उनको छोड़ ही नहीं सकते हो यार, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो, अच्छा, हाँ, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, बिल्कुल आप लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। और बस मेरी यही उम्मीद है कि न्यू ईयर में जितने भी एग्जाम्स लगे हुए हैं सिलेक्शन होना चाहिए, वही सबसे अच्छा एक गिफ्ट होता है किसी भी टीचर के लिए जो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा, आप सबसे पहले ज़रा न्यूज़ हेडलाइन देख लें कि आज के पेपर की न्यूज़ हेडलाइंस क्या थी। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ है तेजस के बारे में। तेजस की अगर बात करें तो ये एक ट्रेन है, सबको पता है, एक एक्सप्रेस है, और इंडिया की पहली कॉमर्शियल ट्रेन है जिसका नाम क्या है, तेजस। अब तेजस एक्सप्रेस का जो नया रूट तैयार किया गया है वो कहाँ से कहाँ तक है, अहमदाबाद टू मुंबई के बीच में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि यार ये जो तेजस वाला है यहाँ पर, ओके, ठीक है, अब हाँ जरा पहले न्यूज़ को समझिएगा। तेजस का अभी एक नया जो रूट है वो स्टार्ट किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, अहमदाबाद टू मुंबई। अब सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि तेजस एक्सप्रेस का जो सबसे पहला रूट था वो क्या था। अगर ऐसा सवाल बनता है तो ये आपको देखने को मिलेगा, कहाँ से कहाँ, मुंबई टू गोवा के बीच में सबसे पहला रूट तैयार किया गया था, किसका, तेजस एक्सप्रेस का। ठीक है, सेकेंडली अगर पूछा जाता है कि जो दूसरा रूट तैयार किया गया वो कहाँ से कहाँ, अभी 2 महीने पहले ही इसको स्टार्ट किया गया था, तो दिल्ली से लखनऊ के बीच में जो सेकेंड वाला रूट है उसको स्टार्ट किया गया था। अब थर्ड वाला जो रूट स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से कहाँ है, तो अहमदाबाद टू मुंबई। तीनों रूट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और तेजस एक्सप्रेस के बारे में ये भी जानिएगा कि तेजस एक्सप्रेस ने अभी कुछ टाइम पहले ये डिक्लेयर भी किया था कि अगर ये एक्सप्रेस लेट हो जाती है तो वो कस्टमर्स को यहाँ पे कम, आप कह सकते हो जो रिफंड है वो भी प्रोवाइड करने की इन्होंने बात कही थी। ठीक है, तो पहली न्यूज़ तो ये हो गई जो आपको देखने को मिली। दूसरी न्यूज़ कॉमन सी है, कई बार हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर ली थी, बट हाँ अब इन्होंने शपथ ली है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लाइन तो इनके बारे में डिस्कस करना बनता है। झारखंड के अंदर अभी हाल ही में चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, और अब झारखंड के जो नए CM चुने गए हैं वो कौन है, हेमंत सोरेन जी आपको एज अ CM देखने को मिलेंगे, कहाँ के, झारखंड के। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हेमंत सोरेन जी कौन से नंबर के CM अपॉइंट किए गए हैं, आंसर बनेगा 11 नंबर के। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछते हैं CM को शपथ कौन दिलाता है, तो जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करके बताइए।
वेरी नाइस उत्तम सिंह जी ने देखो पूरी एक लाइन में पूरी चीज बता दी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि अगर सीएम को अपॉइंट किया जाता है तो उनको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, उनको ओथ कौन दिलाएगा, फटाफट से आंसर करो। वेरी गुड मॉर्निंग अशोक जी। हाँ आंसर आंसर फटाफट से आंसर आना चाहिए कि अगर शपथ दिलाई जाएगी तो शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएंगे, गवर्नर दिलाएंगे या फिर चीफ जस्टिस, कौन दिलाएगा यहाँ पे शपथ, जल्दी से आंसर करो। और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर गवर्नर का नाम पूछा जाएगा तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे एज अ गवर्नर राज्यपाल के रूप में देखने को मिलती हैं। ठीक है अब जल्दी से एक चीज़ और बता दें आपको, अगर पूछा जाता है कि झारखंड अपना स्थापना दिवस कौन सी डेट को मनाता है तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा सकता है, तो आंसर क्या बनेगा 15th of November राज्यपाल शपथ दिलाएगा। वेरी नाइस। जब भी सीएम की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा कि जो राज्यपाल होते हैं वही शपथ दिलाएंगे, बट जब भी हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की, केंद्र शासित प्रदेश की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर जो सीएम है उनको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, तो वो होंगे प्रेसिडेंट या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है ओके चलो अब शुरुआत करी जाए यहाँ पे एमसीक्यूज की। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा जो कि 0 रुपीज़ का है, फटाफट से सवाल पढ़िएगा और आंसर करते जाइएगा। सवाल में बोला जा रहा है विच एयरक्राफ्ट डी कमीशन फ्रॉम इंडियन एयर फोर्सेज एट जोधपुर एयरबेस। सवाल एक बार आपके लिए हिंदी में पढ़ देते हैं, जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना से कौन सा विमान कार्य मुक्त कर दिया गया है या फिर कार्य मुक्त हो गया है, आंसर क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा MiG-27। अब देखो पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। ठीक है सबसे पहली चीज, जब भी हम एयरफोर्स की बात करेंगे तो एयरफोर्स के चीफ मार्शल कौन है, तो आरके भदौरिया जी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्मी के जो चीफ मार्शल अभी हाल ही में बने हैं वो कौन है यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनोज मुकुंद जी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू एयर एज अ न्यू आर्मी मार्शल। ठीक है अगर नेवी के पूछे जाएंगे तो ये हो जाएंगे करमवीर सिंह जी, तो तीनों के तो नाम पहले आपको पता होने चाहिए। ठीक है तीसरा पॉइंट, अगर पूछा जाता है आपसे राफेल के बारे में तो ध्यान रखिएगा कि राफेल को इंडिया ने कौन सी कंट्री से खरीदा है, फ्रांस से खरीदा है, और इसका जो नाम रखा गया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ जल्दी से। करेक्ट, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि राफेल का जो नाम रखा गया था RB-001। वेरी नाइस, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि अपाचे और चिनोक नाम के ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडिया ने कौन सी कंट्री से खरीदे हैं, तो आंसर क्या बनेगा, यूएसए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि S-400 नाम की जो मिसाइल है ये इंडिया ने कौन सी कंट्री से खरीदी है, तो आंसर बनेगा रशिया। इसके बाद एक और मिसाइल का नाम आता है जो कि है यहाँ पर स्पाइक, ये इंडिया ने कौन सी कंट्री से ली है, तो आंसर आ गया यहाँ पर इजराइल। अच्छा एक और है मेटियोर, कुछ याद आया, मेटियोर नाम की जो मिसाइल है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करके बताओ कि ये इंडिया ने कौन सी कंट्री से लिया है, फटाक से आंसर जल्दी से आंसर करो। स्पाइक नाम की जो मिसाइल है ये इंडिया ने कौन सी कंट्री से लिया है, एयरफोर्स डे 8th of October। वेरी गुड, जल्दी से आंसर करो फटाक से आंसर करके बताओ, तब तक जरा इस न्यूज के बारे में बात और कर लेते हैं। अब पहले न्यूज देख लें उसके बाद जरा ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। न्यूज यहाँ पे ये है कि एयरफोर्स का यहाँ पे MiG-27 जो है इसको डीकमीशन कर दिया गया है, कहाँ से, जोधपुर से, जोधपुर का मतलब हो गया कि राजस्थान से इसको डीकमीशन किया गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है MiG-21 ये वो यहाँ पर एयरक्राफ्ट देखने को आपको मिल रहा है जिसका इस्तेमाल किया गया था एयर स्ट्राइक में, जब आपको याद आ रहा होगा अभिनंदन जी का नाम है ना, तो उस टाइम पे इसका यूज किया गया था और अभिनंदन जी को वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में, तो ये अवार्ड भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं अवार्ड्स का एक तो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो F-16 लिखा हुआ है, कुछ याद आ रहा है F-16 के बारे में, जरा मुझे बताओगे F-16 जो है ये कौन सी कंट्री का है, सिर्फ इतना आंसर कर दो, F-16 जो है वो कौन सी कंट्री का है। कुछ लोग इसराइल बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे मेटियोर नाम की मिसाइल के लिए आप लोगों ने इसराइल आंसर किया है अवार्ड्स के लिए लिस्ट, चलो ठीक है बिल्कुल कोशिश करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल कि आपके लिए पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाए। ठीक है अगर मेटियोर्स के लिए आप लोग बोल रहे हैं तो मेटियोर्स के लिए इसराइल नहीं होगा, आंसर बनेगा यहाँ पे ओके करंट अफेयर्स का डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है इसको भी एक बार से हम आज चेक करा लेते हैं, राइट चला जाए हम आगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, यूएसए का है और यूएसए ने किसको दिया है, पाकिस्तान को दिया है। वेरी नाइस वेरी गुड, मेटियोरिस फ्रांस, राइट। अब देखो दूसरा सवाल यहाँ पे बुक से जुड़ा हुआ है, बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन जो है देखो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म ये जो किताब है ये हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है, ये बड़ी चर्चा में है जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा RPN सिंह जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अब यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन है जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो लैटिट्यूड्स ऑफ लॉन्गिंग बुक,
ये किताब का नाम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, शुभांगी स्वरूप जी के द्वारा लिखी गई है, द गोपी डायरीज, ये एक्चुअली बच्चों के लिए एक किताब है जिसको लिखा गया है, किसके लिए, सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये तीन किताबें हैं जो आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए, पहला ये हो गया किसने लिखी है, यहाँ पे इनका नाम हो गया, सेकेंडली ये और थर्ड वाला ये, ठीक। इसके साथ एक और बुक मैंने आपको बताई थी, एक बुक जिसका नाम था ऑन फायर, कुछ याद आ रहा है, बेन स्टोक के द्वारा यहाँ पे ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है ऑन फायर। ये बुक का नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीबीसी के द्वारा अभी हाल ही में बेन स्टोक को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसकी वजह से इनका नाम और इनकी बुक का नाम दोनों ही आपको न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। बेन स्टोक की अगर कंट्री पूछी जाएगी तो कंट्री कौन सी हो जाएगी, तो ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, गॉट इट, ओके। चलो अच्छा, तीसरा सवाल देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 102 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस, सवाल में कहा जा रहा है इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का कौन सा वाला एडिशन यहाँ पे, 102 नंबर का एडिशन जो कि एक वार्षिक सम्मेलन है, वो किस स्थान पर हाल ही में आयोजित किया गया है, पुणे में, रायपुर में, शिलोंग में, जयपुर में, या फिर भुवनेश्वर में, कहाँ पर किया गया, जल्दी से आंसर करो, बेन स्ट्रोक इंग्लैंड, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, सेशन को शेयर करना मत भूल जाना, मतलब हम कहना भूल जाएंगे तो तुम लोग तो शेयर करना भी भूल जाते हो। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो, इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बुक्स एंड ऑथर का भी एक आपको कंपाइलेशन चाहिए, ओके चलो वो भी ट्राई करते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा रायपुर। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात करें, रायपुर के अंदर अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है उसकी शुरुआत करी गई है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल्स की जो जनजातीय महोत्सव है इसको शुरू कहाँ से किया गया, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करी गई कहाँ से, नई दिल्ली से, और अभी हाल ही में इसको ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पर, रायपुर के अंदर। इसी सेम जगह पर आपको इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की पूरी एक बैठक भी देखने को मिल रही है। अब पहले हम लोग इस न्यूज के बारे में बात कर लें, फिर आते हैं ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। देखो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो यहां पे आपको वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं, उन्होंने यहां पर इस पूरी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, कहां पर, रायपुर के अंदर। अगर पूछा जाता है कि भैया रायपुर है कहां, तो ये छत्तीसगढ़ में, पहले तो ये बता दें, पता चला यही भूल जाओ कि रायपुर है कहां पर, ये कहां मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेगा। जब ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई तो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है जिसके ऊपर फोकस किया गया, वो लाइन क्या है यहाँ पे, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था वन नेशन वन कार्ड के बारे में, राइट। उसके बाद हम लोगों ने टैक्सेस के बारे में बात करी, यहाँ पे न्यूज़ आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। जीएसटी के लिए मैंने बताया था कि जब तक हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन तक नहीं पहुंच जाती, तब तक जो स्लैब्स बने हुए हैं अलग अलग जीएसटी के लिए, 0%, 5%, इनमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया गया। हमारे एग्जाम के लिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की जो बैठक अभी हाल ही में हुई वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई थी, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर हो गया रायपुर। अब देखो आया पुणे, पुणे क्यों चर्चा में है आपको बता दें, सबसे पहले देखो यहाँ पे इंटरनेशनल आउल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही इक्वेरियन नाम की जो एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, इसका आयोजन यहाँ पे किया गया। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि मित्र शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित करी जाती है, वो भी यहीं पर आपको देखने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर पुणे के अंदर ही एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की भी शुरुआत करी गई है, और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हर उस जगह तक पहुँचाया जाएगा जहाँ पर टीकाकरण की सुविधा जो है वो नहीं पहुँच पाती, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको पुणे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है शिलोंग, शिलोंग कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा मेघालय के अंदर। शिलोंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ई गवर्नेंस की जो बैठक हुई थी नीति आयोग के द्वारा जिसका ऑर्गेनाइज किया गया था, ये कहाँ हुई थी, तो ये हो जाएगा शिलोंग। सेकेंडली, जो स्मार्ट सिटी हम लोग बात करते रहते ना कि स्मार्ट सिटी होगी, स्मार्ट सिटी होगी, स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा टोटल कितनी सिटीज चुनी गई हैं, ओके करेक्ट। हाँ, अगर पूछा जाता है स्मार्ट सिटीज़ कितनी सिटीज़ को बनाया जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 100 है, 100 नंबर की जो सिटी ऐड करी गई है उसका नाम क्या है, उसका नाम है शिलोंग, ठीक है, ओके। चलिए अच्छा, ओडिशा के बारे में भी आप लोगों ने बता दिया। अभी कुछ जयपुर आया है, वाई जयपुर इज़ इम्पॉर्टेंट, जयपुर की बात करो तो राजस्थान ने अभी कुछ टाइम पहले ही यूनेस्को के साथ एक टाइप किया था ताकि जयपुर को एक हेरिटेज साइट बनाया जा सके। सेकेंड पॉइंट, अगर पूछते हैं आपसे कि राजस्थान से वो कौन सी जगह है जो कि यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी रखी गई है, तो भी आंसर क्या बनेगा, जयपुर बनेगा। थर्ड पॉइंट, जयपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, जयपुर नंबर 1 पे है, जोधपुर नंबर 2 पे है, इसको कन्फ्यूज मत होना, दोनों ही कहाँ से, राजस्थान से।
राइट। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे भुवनेश्वर मैंने ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो भुवनेश्वर कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा ओडिशा के अंदर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2023 के अंदर जब इंडिया और ये कह सकते हैं कि हॉकी के जो मैचेस होंगे, तो इंडिया के जितने भी मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे वो सारे के सारे भुवनेश्वर के अंदर ही खेले जाएंगे। कौन से ईयर में? 2023 में। गॉट इट? यानी कि जितने ऑप्शन उतने सवाल। अब यार इससे बेहतर और क्या मिलेगा? लेकिन हाँ, नोट्स बनाना मत भूल जाया करो, नोट्स भी बनाने की होती है, ठीक है? ओके, गणेशी लाल जी, नवीन पटनायक जी, राइट। जूनियर असिस्टेंट के लिए 6 महीने का करंट अफेयर्स के बारे में भी हम लास्ट में आपको बताएंगे, पहले फटाफट से हम लोग कवर कर लें सारी चीज़ें, उसके बाद आपको बताते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाउसेज अप्रूव्ड बाय द सेंटर अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना? सवाल कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितने आवासों को अभी हाल ही में मंजूरी दी है? तो पहले तो ये ध्यान रखो, यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल बनता है तो इसमें क्वेश्चन हमेशा फिगर के ऊपर ही पूछा जाता है, यानी कि कितना अमाउंट दिया गया, कितने घरों को मंजूरी दी गई, या फिर कब इसको शुरू किया गया था, जब शुरू किया गया था तब कितना अमाउंट दिया गया था। बात समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 1 करोड़ रुपीज़, यानी कि 1 करोड़ यहाँ पे जो घर हैं उनको मंजूरी दी गई है। अब ये है क्या आवास योजना, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। देखो, सेंटर ने अभी हाल ही में ये बोला है कि जो आवास योजना है, आवास योजना से समझ में आ रहा होगा कि घरों के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस योजना के अंदर टोटल और कितने घर बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे 1 करोड़ जो हाउसेज हैं उसको डेवलप किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर पूछते हैं एग्जाम में आपसे कि यहाँ पर ये जो अर्बन वाला एरिया है, एक हो जाएगा अर्बन, दूसरा होगा रूरल, तो अर्बन वाला जो एरिया है इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2015 में इसको पूरी तरीके से शुरू किया गया। 1 करोड़, वेरी नाइस, गुड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, करेक्ट, टारगेट कितना है? 2022 है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए या फिर 1 करोड़ घर बनाने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा जो टाइम लिमिट रखी गई है वो कितनी है, तो आंसर बनेगा 2022। थर्ड के बाद जरा फोर्थ पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर या फिर रूरल के अंदर जो एक थीम दी गई है, या फिर हम कह सकते हैं जो एक टैगलाइन दी गई है, वो क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल 2022, याद रहेगा ये? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हाउसिंग फॉर ऑल 2022, ये क्या रहेगी? ये इसकी थीम है या फिर इसकी टैगलाइन है, राइट। नेक्स्ट देखो, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है किसके पास? तो हरदीप सिंह पुरी जी के पास आपको ये मंत्रालय देखने को मिलता है, वेरी नाइस। अच्छा, अब मुझे ये बताना, 2022 दो टारगेट्स हैं, दोनों जरा कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो कि ये जो टारगेट है वो और कौन सी दो चीजों के लिए लागू किया गया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में तुरंत से आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर करो। फटाफट आंसर। जल्दी से आंसर करके बताओ। अरे यार चश्मा, तुम चश्मे के ऊपर। ओके, चलो तब तक हम अगला सवाल पे आते हैं। जल्दी से आप लोग आंसर करके बताइए कि 2022 का जो टारगेट है वो और कौन सी दो चीज़ों के लिए लागू किया गया है। एंड हाँ, सेशन को लाइक एंड शेयर करते जाएगा, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए सुशांत जी। अब यहाँ पे देखो अगला सवाल क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय, एक यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो जारी करी जाती है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी जाती है? टीबी के लिए? ना, बिल्कुल भी नहीं। देखो, पार्लियामेंट, करेक्ट, प्लास्टिक, वेरी नाइस। देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पे 2022 के लिए, पहला तो है कि प्लास्टिक्स को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, और दूसरा क्या है? पार्लियामेंट को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना है। दोनों ही यहाँ पे पी से शुरू हो रहे हैं, सिंपल सा था, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी करी जाती है, तो ये रिपोर्ट जारी होती है RBI के द्वारा। ये एक ऐसा सवाल है ना जो आपसे किसी भी एग्जाम में किसी भी लेवल पे पूछा जा सकता है, चाहे आप SSC की बात करो, चाहे आप रेलवे की बात करो, SI की बात करो, इवन आप UPSC की भी बात करो ना, तो भी सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अगर रिपोर्ट का नाम आता है तो वो रिपोर्ट जारी किसके द्वारा करी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा इसका? RBI इसका आंसर रहेगा। अब ये जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, पहले तो हम लोग ये बात कर लें, ठीक है। मलेरिया के लिए 2030 है, वेरी नाइस, गुड। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ओके। अब देखो ये इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, जो अगर अभी हम लोग देखें सितंबर तक, तो ये कितना था? 9.3 था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है या फिर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाला सितंबर 2020 जो है, तब तक इंडिया के अंदर जो NPA की समस्या है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 9.9% हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, विजय माल्या है, विजय माल्या गए किसी भी बैंक में, SBI में गए, और SBI में से जाके इन्होंने ले लिया लोन,
ठीक। इन्होंने क्या किया, लोन लेने के बाद किंगफिशर के बहुत सारे इन्होंने क्या किया, एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दिए, एयरक्राफ्ट बनाना या खरीदना जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, बनाना शुरू कर दिए। तो अब अगर यहाँ पर विजय माल्या को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है किंगफिशर से, तो क्या विजय माल्या जो लोन लिया था SBI से वो वापस कर पाएंगे? नहीं वापस कर पाएंगे। तो यहाँ पर NPA का मतलब यही होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पर्सन ने कोई भी लोन लिया है लेकिन उस लोन को वो वापस नहीं कर पा रहा है, तो इससे क्या होगा, बैंक के ऊपर बर्डन बढ़ेगा और इसी बर्डन को हम क्या कहते हैं, NPA के नाम से जाना जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि हमने किसी को इन्वेस्टमेंट तो किया था, हमने सोचा कि वो हमारे लिए एसेट है, वो हमको बढ़ा के पैसा वापस करेगा, लेकिन क्या हुआ, वो तो पैसे ही नहीं वापस कर पा रहा है। इसीलिए ये जो टर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, किसको ब्लॉक करना है, क्या हो गया, इग्नोर मारा करो यार। देखो लाइफ में लोग आपको मिलते रहेंगे, जस्ट इग्नोर देम, खुद से ब्लॉक कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया था जिसका नाम था जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर इंडिया की अगर रैंकिंग पूछी जाएगी तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो कि यहाँ पर रैंकिंग क्या रखी गई है, जल्दी से आंसर करके बताओ, फटाफट से आंसर आना चाहिए। जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर इंडिया की यहाँ पर रैंकिंग क्या रखी गई है? सेकेंडली, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक और जो लिस्ट है वो रिलीज करी जाती है, तो वो क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, इसको भी जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक के बारे में एक काफ़ी सारी न्यूज़ आती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी जो बैठक होती है वो कहाँ होती है, डेवोस के अंदर होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दोनों ही मिलेगा आपको Washington DC में। नेक्स्ट चीज़ याद रखनी है, जब भी हम IMF बोलेंगे, यानी कि इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी जाती है जिसका नाम है यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक कौन सा यहाँ पे पूरा एक इंडेक्स जारी करता है, तो ये आ जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो आपको कितनी देखने को मिलती है वो भी आप बताओगे, हम नहीं बताने जा रहे, 6 लिख दिया था, आगे बोलने जा रहे थे 112, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर गैप में क्या हो जाएगी, 112 रहेगी इंडिया की रैंकिंग, बिल्कुल करेक्ट। कॉम्पिटेटिव इंडेक्स भी आप लोगों ने बता दिया 60, अरे वाह वेरी नाइस। जल्दी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, लास्ट ईयर 77 थी, आज इस बार कितनी है, ये जल्दी से आंसर करो, वेरी गुड। जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर सबसे टॉप पे जो कंट्री है वो है आइसलैंड, गुड। जल्दी से फटाफट से आंसर बताओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग क्या है? पक्का 63 है, करेक्ट। और लास्ट ईयर कितनी थी, 77 थी। ठीक है, चला जाओ आगे, नेक्स्ट देखो, CGN 20, नाम से ही पता चल गया होगा लेकिन फिर भी सवाल है तो भाई आपको आंसर करना पड़ेगा। CGN 20 सैटेलाइट इज लॉन्च बाय विच कंट्री, CGN 20 उपग्रह किस देश के द्वारा यहाँ पे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, आंसर क्या होगा, इसके नाम से पता चल रहा है चाइनीज सा नाम लग रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, चाइना रहेगा इसका आंसर। लेकिन क्या सिर्फ चाइना से जुड़ी हुई न्यूज़ है, तो थोड़ा सा एक बार हम लोग बाकी ऑप्शन के साथ भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस न्यूज़ को थोड़ा सा देख लें। देखो, लॉन्ग मार्च 5 नाम के रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, और ये रॉकेट जो है ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो मोस्ट इफेक्टिव रॉकेट है, किसका, चाइना का। इसका इस्तेमाल करते हुए CGN 20 नाम की जो सैटेलाइट है वो अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च की है। चाइना की अगर हम बात करेंगे तो बीजिंग हो जाएगी इसकी कैपिटल और युआन रिन भी रहेगी इसकी करेंसी। बीजिंग का अगर पुराना नाम पूछा जाता है तो पुराना नाम क्या है, पीकिंग है। और इस मैप को देखते हुए आपको ये समझ में आना चाहिए कि चाइना के जस्ट ऊपर जो कंट्री है वो कौन सी है, मंगोलिया। मंगोलिया के जस्ट ऊपर जो आपको कंट्री देश देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, रशिया। इधर की तरफ देखोगे तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, और नीचे की तरफ आपको मिलेगा इंडिया, और यहाँ मिलेगा नेपाल और भूटान। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और हम लोग बात कर लेते हैं। यहीं पर आपको एक रिवर मिलती है जिसका नाम है यांगटेज रिवर। यांगटेज रिवर एशिया की सबसे बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला। दूसरा देखो, यहीं पर आपको मिलती है हुआंगू रिवर। हुआंगू रिवर को बोला जाता है सोरो ऑफ चाइना, यानी कि चाइना के शोक के नाम से इस नदी को जाना जाता है। एक और न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली थी उइगर कम्युनिटी के बारे में। अगर पूछा जाता है कि जो उइगर कम्युनिटी है ये कौन से देश की है, तो आंसर क्या बनेगा, चाइना बनेगा। अगर पूछा जाता है रोहिंग्याज कौन सी कंट्री की कम्युनिटी है या फिर माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, तो आंसर क्या बनेगा, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, करेक्ट। इनके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ मुझे।
म्यांमार अगर पूछा, चलो आंसर मैंने बोल ही दिया, आंसर रहेगा रोहिंग्यास के लिए म्यांमार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इथोपिया लिखा था ऑप्शन में मैंने, तो इथोपिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, अदीस अबाबा हो जाएगी, और इसकी करेंसी क्या रहेगी, बिर रहेगी। इथोपिया की भी अभी एक जो सेटेलाइट है वो भी लॉन्च करी है किसने, चाइना ने। यहाँ पे अगर हम पीएम की बात करें तो ये कौन है, अबीज़ अहमद है। आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि अबीज़ अहमद को अभी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, वो भी कौन सा वाला, पीस वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो रशिया लिखा हुआ है, तो रशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, मॉस्को, करेंसी क्या रहेगी, रूबल। यहाँ पर रशिया ने अभी हाल ही में अपना एवेंगार्ड नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है, जिसकी रेंज की बात करो तो 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया पूरे वर्ल्ड में ऐसा मिसाइल बनाने वाला इकलौता कंट्री है, और इन्होंने तो यहाँ पे चैलेंज भी कर दिया है कि ये मैंने इसलिए बनाया है या फिर इसलिए मैंने इसको डिप्लॉय किया है ताकि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ा सा समझ में आए कि हमसे पंगा लेने का नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, अगर पूछा जाता है एवेंगार्ड के बारे में तो ये कौन सी कंट्री की मिसाइल होगी, रशिया की। किस जगह पर इसको डिप्लॉय किया गया या फिर किस जगह पर इसको लगाया गया है, तैनात किया गया है, तो आंसर बनेगा यूरल माउंटेन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया आया, पेग्योंग, सबको पता है इसकी कैपिटल है यहाँ पर, और अगर करेंसी पूछी जाएगी तो नॉर्थ कोरियन वॉन रहेगी इसकी करेंसी, वेरी गुड। ओके चले भाई आगे चला जाए, अब नोबेल प्राइजेस, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको 4 कंट्रीज मिलती हैं, कौन कौन सी, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती एंड सोमालिया, ठीक है, चारों कंट्रीज हैं, चारों के नाम याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, साइक्लोन सारा हैज स्ट्राइक एट विच कंट्री रिसेंटली, अभी हाल ही में एक चक्रवात है जिसका नाम है सारा, ये कौन से देश में देखने को मिला, फिजी में, फिलीपींस में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा इसका फिजी। अब देखो जब भी हम साइक्लोन की बात करेंगे तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले ज़रा इस न्यूज़ के बारे में बात कर लें। फिजी के अंदर अगर हम देखें तो एक चक्रवात आ रहा है जिसका नाम है सारा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फेनफोन नाम का जो टाइफून है वो आपको देखने को मिला कहाँ पर, फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस और फिजी दो चीज़ें हो गई ना, अब पहले तो ये पता होना चाहिए यार, यहाँ लिखा हुआ है साइक्लोन, यहाँ पे आ रहा है टाइफून, फिर हम पढ़ते हैं हरिकेन, कहीं जगह पे लिखा होता है बिली बिली, ये अलग अलग चीज़ें क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहला यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है, या हम ये कह लें कि अलग अलग महासागरों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की या फिर उत्तरी अमेरिका की, तो इस क्षेत्र में जो हरिकेन है या फिर हम कह सकते हैं जो चक्रवात है उसको हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। अगर चक्रवात यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है तो इसको हम टाइफून के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया के एरिया में होता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, विली विली के नाम से ये जाना जाता है, ठीक। और अगर इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में चक्रवात आता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है। इन शॉर्ट अगर आया है नॉर्थ अमेरिका के एरिया में तो हरिकेन हो गया, अगर पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, तो टाइफून हो गया, इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में आएगा तो इसको चक्रवात, साइक्लोन के ही नाम से जानते हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया में आता है तो इसको हम विली विली के नाम से जानते हैं। गॉट इट, बात समझ में आ गई। अच्छा हाँ, अब अगर मान लो पूछा जाता है, वैसे ज्योग्राफी का पॉइंट है, सर ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करेंगे, अगर पूछ लिया जाता है कि साइक्लोन जो चक्रवात है वो कब बनता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी किसी जगह पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस टाइम पर आपको साइक्लोन की जो कंडीशंस हैं वो देखने को मिलती हैं। साइक्लोन दो तरीके का होता है, ट्रॉपिकल भी होता है और टेम्परेट भी होता है, ठीक है, ये सब आपको सब बताएंगे, राइट। ओके, फैनी नाम का जो अभी साइक्लोन था वो आपको ओरिसा के अंदर देखने को मिला था, वेरी गुड। महा नाम का जो चक्रवात था वो आपको कहाँ मिला था, गुजरात के अंदर मिला था, और इससे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो लेकिमा नाम का जो टाइफून था वो आपको चाइना के अंदर देखने को मिला, डोरियन नाम का जो हरिकेन था वो आपको बेनामा के अंदर देखने को मिला था, ठीक है, बेमाज के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। तो अलग अलग हैं यहाँ पर, बट हमें याद क्या रखना है, जो करंट न्यूज़ में चल रहा है बस वो, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, विली विली टाइफून। अगला और शायद ये आखिरी सवाल भी होगा, अरुण जेटली स्टैचू इज अनवील्ड इन विच स्टेट, यानी कि अरुण जेटली जी का अभी हाल ही में जो एक स्टैचू है वो कौन से राज्य के अंदर लगाया गया है या फिर अभी कहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा यहाँ पर बिहार। तो पहले हम लोग ज़रा इस न्यूज़ के बारे में बात करें, अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा यानी कि कहाँ, बिहार के अंदर पटना में अरुण जेटली जी का जो स्टैचू है उसको अनवील किया गया है। हमें एग्ज़ाम के लिए याद क्या होना चाहिए,
स्टैचू कहाँ पे? पटना के अंदर. अनवील किसने किया? नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. दूसरा, अभी 25th ऑफ दिसंबर को, अक्टूबर कह रहे हैं, दिसंबर को मनाया गया गुड गवर्नेंस डे. किसका बर्थडे होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है. और इस दिन अगर हम आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो इनकी मूर्ति है वो किस जगह पर इनोग्रेट करी गई, तो आंसर क्या बनेगा? यूपी के अंदर लखनऊ में इनकी जो मूर्ति है वो इनोग्रेट करी गई. इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज जो है उसकी भी शुरुआत करी जाएगी. कहाँ पर? यूपी के अंदर. बिहार बिहार बिहार, वेरी गुड. ओके, लखनऊ में तो इनका है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का है. अभी हम लोग किसके बारे में बात करें? अरुण जेटली जी के बारे में बात करें, ठीक है. गुजरात अगर पूछा जाएगा तो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता ही है इनके बारे में, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है. नई दिल्ली अगर पूछा जाएगा तो फिरोज शाह कोटला मैदान, सबको पता है ना ये नाम, तो फिरोज शाह कोटला मैदान का जो नाम है वो चेंज किया गया है और अब किसके नाम पर रख दिया गया? ये भी अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है, राइट. चलो अच्छा, ओके, एक शायद ये वाला जो सवाल है ये आखिरी वाला सवाल है. Who has been awarded the Dada Saheb Phalke Award for 2019? बड़ा अच्छा सा है, कल ये मैंने TG पे शेयर भी किया था, अगर आप लोगों ने चेक किया हो तो. दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? सिंपल सा आंसर बनेगा यहाँ पे, अमिताभ बच्चन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया. विनोद खन्ना जी लिखा हुआ है, तो 2018 का जो अवार्ड था दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको गया? तो विनोद खन्ना जी को गया. उसके बाद देखो लिखे हुए हैं कुछ और भी नाम, है ना, तो ज़रा बात कर लेते हैं उनके बारे में भी. तो पहले तो अमिताभ बच्चन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया. इम्पॉर्टेंट, कौन से नंबर का ये दादा साहब फाल्के अवार्ड था? तो ये 50th नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड था, ठीक है. 2018 का किसको मिला? विनोद खन्ना जी को मिला. नेक्स्ट, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, विद्याधर व्यास जी, इनको अभी हाल ही में तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. और ये जो तानसेन सम्मान से पुरस्कारित किया गया या फिर जो अवार्ड दिया गया है, तो तानसेन महोत्सव कहाँ पे चल रहा था? तो ये ग्वालियर के अंदर यानी कि MP के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. करेक्ट, बिल्कुल राइट, यहाँ पे प्रेसिडेंट ने दिया था अवार्ड. गुड, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे देखो दूसरा लिखा हुआ है, नसीरा शर्मा जी, इनको अभी हाल ही में व्यास सम्मान कौन से ईयर का? 2019 का दिया गया. कौन सी किताब के लिए? कागज की नाव के लिए. लास्ट वाला जो नाम लिखा हुआ है, लीलाधर जागोड़ी जी, इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 2018 के लिए. और यहाँ पर अगर आपसे पूछे जाते हैं ना इन सब के नाम, तो आपको पता होना चाहिए. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अवार्ड्स के बारे में एक पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाए, ठीक है. अच्छा हाँ, तो ये जो इनको अवार्ड मिला है वो किताब का नाम भी तो बता दें आपको, जितने लोग उतने प्रेम, हो गया. चला जाए आगे यहाँ पर. अब देखो न्यूज़ का सेशन जो है वो यहाँ पर शुरू किया जा रहा है. सबसे पहली जो न्यूज़ है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसकी मैंने पूरी एक प्रॉपर लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है 15 या 16 दिसंबर के आसपास. एक बार से सेशन ढूंढ के वहाँ से जो PDF है, या तो PDF डाउनलोड कर लेना या फिर जो लिंक है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं वैसे आप पढ़िएगा. सबसे पहली जो न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है लद्दाख से. जरा चलते हैं लद्दाख, लद्दाख घूम के आते हैं ऐसे टेम्परेचर में. लद्दाख लोसार फेस्टिवल अभी हाल ही में इसकी शुरुआत करी गई है. कहाँ पर? लद्दाख के अंदर. और ये लद्दाख का न्यू ईयर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि तिब्बतीन रीजन का इसको नए साल के रूप में मनाया जाता है. लोसार फेस्टिवल कौन सी जगह पर मनाया जाता है? सिंपल सा आंसर हो गया, लद्दाख. सेकेंडली, अगर पूछा जाता है कि लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, वो कौन है? तो आंसर बनेगा RK माथुर जी, ठीक है. नेक्स्ट देखो, ये है एक नया मैप, आपको मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था. अभी आपको याद आ रहा होगा कि 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था. दोनों को एक यूनियन टेरिटरी अलग अलग बना दिया गया, ठीक है. अब यहाँ पे हमें याद क्या रखना है? सबसे पहला पॉइंट, लद्दाख का जो एरिया है वो किसके किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बाल्टिस्तान का जो एरिया देखते हैं ना उसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और चाइना के साथ भी इसकी जो सीमा है वो साझा होती है. नेक्स्ट, निम्बो बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो है वो आपको लद्दाख के अंदर ही देखने को मिलता है. इसके बाद जैबरो डांस और याक डांस, दो नृत्य हैं या फिर हम कह सकते हैं दो फोक डांसेस हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. ध्यान रखिएगा, याक डांस जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कौन सी जगह पर परफॉर्म किया जाता है. आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख इसका आंसर रहेगा. इसके बाद लोसार फेस्टिवल, ये तो सेलिब्रेट हो ही रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद पेगोंगसो और सो मुरारी नाम की दो झीलें हैं, दो लेक हैं जो आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर? लद्दाख के अंदर. ऐसा तो हो नहीं सकता कि पेगोंगसो आप लोगों ने देखी ना हो, 3 Idiots मूवी देखी ना, उसमें जो लास्ट वाला सीन दिखाते हैं ना जहाँ पे वो पूरा एक ड्रोन उड़ा रहा होता है, वो यही पेगोंगसो लेक है. बराबर, समझ में आ गई बात. अब देखो नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर आया है तो जम्मू कश्मीर से कुछ न्यूज़ है, ज़रा उसके बारे में बात करते हैं. ओके चलो, ठीक है, गॉट इट, फाइन.
28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, राइट। और हो सकता है कि यूनियन टेरिटरी जो है ये बहुत जल्दी आपको 8 भी देखने को मिल सकती हैं अगर दादर नगर हवेली और ये दमन एंड दीव दोनों को मर्ज कर दिया जाता है तो। द हिंदू न्यूज़पेपर इज़ गुड, बिल्कुल। देखो यार, अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे कि मान लो SSC वगैरह है, इसके लिए आप द हिंदू की जो न्यूज़ है वो प्रेफर कर सकते हो। अगर आप सीरियस और NDE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो द हिंदू तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो मस्ट है। उसके साथ लाइव मिंट भी थोड़ा सा कवर करते चलो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम्स या फिर UPSC में कोई और एग्जाम है तो उसके लिए आपको द वायर हो गया, लाइव मिंट हो गया और द हिंदू, ये तीन ऐसे न्यूज़पेपर हैं, अगर आपने ये पढ़ लिया ना लाइव झिंगा लाला हो जाती है फिर। चलो अच्छा, हाँ जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल मैंने आप कल वैसे उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने मोदी जी की जो पूरी एक वो आई थी ना मन की बात, वो सुना होगा। तो मन की बात में एक मिशन का नाम जो है वो मेंशन किया गया था और उसका नाम है हिमायत मिशन। एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमायत मिशन नाम का ये जो मिशन है ये कौन सी जगह पर चलाया गया और ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हिमायत नाम का जो मिशन है ये चलाया गया था कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ये बात करता है ट्रेनिंग के बारे में और प्लेसमेंट्स के बारे में। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितने भी यूथ हैं उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, उन सबको स्किल प्रोवाइड करी जाएगी और उन सबको प्लेसमेंट भी दिया जाएगा, उसके लिए इस मिशन को चलाया गया था। ठीक है, तो कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे गिरीश मुर्मू जी। यहीं पर आपको दो झीलें देखने को मिलती हैं जिनका नाम है डल और वुलर। वुलर अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वुलर इंडिया का या फिर हम ये कह लें कि भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ा यहाँ पर साफ पानी की झील देखने को मिलती है। बैंक के लिए बताया, लाइव मिंट और आपका जो दवायर है ना, दोनों ही आपके बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइव मिंट तो पूरा का पूरा इकोनॉमी बेस्ड ही न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर ये तीन है बेसिकली। अगर शुरुआत करो तो द हिंदू से शुरुआत करिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया कभी मत पढ़ना क्योंकि उसमें एड्स ज़्यादा होते हैं, न्यूज़ का सेक्शन जो होता है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो दूसरी यहाँ पे न्यूज़ क्या है। रेबुंग ब्रिज, ये एक ब्रिज है जिसको अभी हाल ही में इनोग्रेट किया गया है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है। कौन से ज़िले में इसकी शुरुआत हुई है, तो सैंग नाम का जो एक ज़िला है वहाँ पे इसको शुरू किया गया, और सैंग नाम की एक आपको रिवर नदी भी देखने को मिलती है। कौन से स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। लेकिन ये तो अभी लेटेस्ट वाला है, इससे पहले भी तो एक ब्रिज था जिसको इनोग्रेट किया था राजनाथ सिंह जी ने, तो वो ब्रिज कौन सा है, तो वो ब्रिज यहाँ पर सिसरी रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है, एक पुल बनाया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी कौन से स्टेट में है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में। दो हो गए, पहला तो ये हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सिसरी रिवर हो गया। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी कुछ टाइम पहले तवांग नाम का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट हुआ था कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल लगा हुआ क्या मिलता है, चाइना लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर विवाद होता है। बताया तो रेलवे के लिए मैंने आपको बताया, द हिंदू रेलवे और SSC दोनों के लिए अच्छा है, द हिंदू आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आया, अरुणाचल प्रदेश के अगर CM के बारे में बात करेंगे तो ये कौन है, पेमा खांडू जी, और गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, BD मिश्रा जी। यहाँ पर आपको दो नेशनल पार्क, राष्ट्र उद्यान देखने को मिलते हैं, नामदफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर पासेस पूछा जाता है, दर्रे पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, सैला पास, बोमदिला पास और उसके बाद दीपू पास। दीपू पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीन देश हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है, इंडिया, चाइना और म्यांमार। गॉट इट। अगर पूछा जाता है ट्राई जंक्शन पास कौन सा है इंडिया का, ट्राई जंक्शन का मतलब क्या हो गया, तीन कंट्री जिसका बॉर्डर शेयर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। राइट, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये हो गया। अच्छा एक चीज और, हिमविजय नाम की जो एक्सरसाइज है वो अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज करी गई थी कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जीरो वैली वगैरह जो एरियाज है यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखो एक और फेस्टिवल, फेस्टिवल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं, वो लिस्ट निकाल के एक बार से पढ़ जरूर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर आपको बता दें ये वाला जो फेस्टिवल है कहाँ पर, अरे ये देखो वही चीज़ है ना, किसी भी एग्जाम की अगर शुरुआत आप कर रहे हो तो वो आपको द हिंदू से ही करनी पड़ेगी। मैंने लेवल वाइज जो पेपर है वो बता दिया यहाँ पे। बैंकिंग के लिए लाइव मिंट एंड द हिंदू बोथ आर गुड। अब देखो यहाँ पे मांडू फेस्टिवल कहाँ पे, ये त्यौहार जो है या फिर जो महोत्सव है ये मनाया जा रहा है, तो ये 5 दिन का महोत्सव है जिसकी शुरुआत हुई है कहाँ पर, MP के अंदर। ये तो अभी शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था ओरछा नाम का जो फेस्टिवल है कहाँ पर, MP के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर ही अभी शुरू किया गया था तानसेन महोत्सव, वो भी यहीं पर हुआ था। और इससे पहले जो सांस्कृतिक महोत्सव, जो कल्चरल प्रोग्राम शुरू हुआ था, वो भी MP के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया गया था।
इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो MP जो है, हार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे बहुत सारे आपको फेस्टिवल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेसिक भी इसके बारे में जान लो। सबसे पहले गवर्नर अगर पूछे जाएंगे लालजी टंडन जी हो जाएंगे, CM अगर पूछे जाएंगे, मुख्यमंत्री पूछे जाएंगे तो कमलनाथ जी हो जाएंगे। ये तो बेसिक्स है, अब आपको ये रट गया होगा। दूसरा देखो, अगर ट्राइब्स पूछी जाती हैं तो कोल ट्राइब हो जाएगी, सहरिया ट्राइब हो जाएगी, और यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट डैम भी देखने को मिलते हैं। बांध कौन कौन से? इंदिरा सागर डैम हो गया और ओमकारेश्वर डैम। कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर। गांधी सागर यहाँ पे जो डैम है, जो बांध है, किसके ऊपर? चंबल रिवर के ऊपर मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा, MP के अंदर अभी हाल ही में एक एलिफेंट कॉलोनी बनाई गई है, और ये पूरे इंडिया की सबसे पहली एलिफेंट कॉलोनी है। कहाँ पर? MP के अंदर, जिसे बोला जाता है टाइगर स्टेट, यानी कि टाइगर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? आंसर हो जाएगा MP। और अब यहाँ पर बनाया गया है क्या? एलिफेंट कॉलोनी, ध्यान रखिएगा। चलें आगे, आगे चला जाए ना, एडिटोरियल का सेक्शन इसके जस्ट बाद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे UN का नाम जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में ये डिक्लेयर किया गया है कि मलाला यूसुफ़ज़ई दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मलाला यूसुफ़ज़ई मोस्ट फेमस टीनेजर के रूप में चुनी गई हैं UN के द्वारा। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनको कौन कौन से अवार्ड्स भी मिले, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, कौन से ईयर में? 2014 में। किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी जी के साथ इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है UN मैसेंजर ऑफ द पीस, यानी कि पीस को, शांति का जो संदेश है उसको फैलाने वाली यहाँ पे कौन सी टीनेजर रही थी, तो आंसर क्या बनेगा? मलाला यूसुफ़ज़ई। कौन से ईयर में ये वाला अवार्ड मिला है? तो 2017 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। UN का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। और इसका अगर पूछा जाता है आपसे कि UN डे कब सेलिब्रेट होता है, ओके, तो आंसर क्या बनेगा? 24th of October यहाँ पे रहेगा इसका आंसर। फेस्टिवल्स का PDF नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है। सो लेट गुड मॉर्निंग, तो कहाँ रहते हो तुम लोग यार? सुबह हम इतनी दूर से आ जाते हैं लेकिन पता नहीं आप लोग कहाँ रहते हैं। चलो अच्छा, फेस्टिवल्स का PDF जो है वो हम खुद से आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब देखो अगली न्यूज़ क्या है, यहाँ पे SBI के बारे में है। SBI या फिर हम कहें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च वन टाइम पासवर्ड बेस्ड ATM ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि SBI ने ATM में अभी हाल ही में एक OTP जो है वो जनरेट करना शुरू कर दिया है, और ये OTP जो है वो कब आएगा? जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे कितने का, 10,000 अबव से अगर ट्रांजेक्शन किया जाएगा तो एक OTP अब रिलीज किया जाएगा। कौन से बैंक ने शुरू किया? SBI ने किया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो क्यों रही है? सिक्योरिटी बेसिस को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ज़रा मुझे ये बताना, SBI के हेड का नाम क्या है? SBI के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, फटाफट से कमेंट सेक्शन में इनका नाम आना चाहिए। हेडक्वार्टर बिल्कुल बच्चों वाला अब तो हो गया, ये तो आपको पता ही होगा, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके, करेक्ट। जल्दी से आंसर करके बताओ, SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फटाफट से, कैनरा बैंक ऑलरेडी कर चुका है, यस, वेरी गुड। आंसर देखो, तो यहाँ पे ज़रा अमाउंट ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 10,000 अबव के ही ऊपर होगा यहाँ पर। अब देखो अगली न्यूज़ जो है वो फिर से फाइनेंस से जुड़ी हुई है। न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये लागू होने वाला है 1st of January से, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये न्यूज़ क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ये? निर्मला सीतारमन जी, सबको पता है। हैज सेड दैट देयर विल बी नो मर्चेंट डिस्काउंट रेट विल बी एप्लीकेबल ऑन द ट्रांजेक्शन्स मेड थ्रू रुपे कार्ड एंड UPI कार्ड। कुछ समझ आया? देखो आपको एक बार से समझा देते हैं। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये कहा गया है कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है ना, ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट का जो अमाउंट होता है, अब ये चार्ज नहीं किया जाएगा अगर कस्टमर रुपे कार्ड का इस्तेमाल करेगा या फिर UPI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अगर पेमेंट करता है, अगर डिजिटल पेमेंट करता है, तो ये जो यहाँ पे अमाउंट या फिर ये जो टैक्स इसके ऊपर चार्ज किया जाता था, अब ये चार्ज नहीं किया जाएगा। कब से? 1st of January से। अब आप सोच रहे होंगे यार ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है ना, चलो अच्छा बता देते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? इट इज़ अ कॉस्ट पेड बाय द मर्चेंट टू द बैंक फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट फॉर देयर कस्टमर वाया डिजिटल मीन्स। सपोज करो, मान लो मेरा नाम ही ले लेते हैं, ठीक है, हम गए किसी जगह पे, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, तो जब हम किसी चीज़ को खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? मर्चेंट टर्म का ही तो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज को अब हर एक कस्टमर को यहाँ पे दो और मोड प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिसका इस्तेमाल करते हुए वो डिजिटल पेमेंट कर सकता है।
कौन से वो मोड हो जाएंगे, रुपे कार्ड और यूपीआई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर मान लो मैंने जाके कहीं से किसी भी सामान को खरीदा है और मैंने किसी भी कार्ड का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो जब हम कार्ड का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा ना SGST कटता है, CGST कटता है, उसी के ऊपर 1% या फिर 2% का चार्ज और भी काटा जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे MDR के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में ये जो MDR है, यानी कि जो मर्चेंट है जो हमको चीज़ों को दे रहा है, ये जो अमाउंट होता है ये अमाउंट खुद उस शॉपकीपर को या फिर हम कह सकते हैं कि उस मर्चेंट को खुद से वो जो पैसा है वो देना होता है किसको, बैंक को। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो अमाउंट है 1% या फिर 2%, ये चार्ज किया जा रहा है किसके ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर। तो अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो 1% या फिर 2% मर्चेंट का जो रेट ऑफ डिस्काउंट है, ये अब कस्टमर्स के ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा, ये अब डायरेक्टली कौन करेगा यहाँ पे, ये मर्चेंट को खुद ही देना पड़ेगा किसको, बैंक्स को, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर परसेंटेज था ये अब कस्टमर्स के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। कौन से दो नए मोड हैं जो प्रोवाइड किए जाएंगे, रुपे कार्ड और यूपीआई कार्ड जो है ये यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट डेज, ओके चलो ठीक है। ट्राइब्स वगैरह तो हम पता नहीं कब का प्रोवाइड कर चुके हैं, ट्राइब्स वगैरह हम बहुत पहले प्रोवाइड कर चुके हैं आपको। अच्छा देखो, अभी ये आप लोगों के सारे जो सवाल हैं ये मैंने सारे पढ़ लिए हैं। सेशन खत्म होने के बाद हम GA GS मेंटोर के नाम से कुछ कमेंट करेंगे वीडियो के जस्ट नीचे, एक बार से उसे पढ़ जरूर लीजिएगा। कृति महिंद्रास के नाम से आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान रखना, एक है चैनल जिसपे करीबन 4.4K यानी कि करीबन 4000 सब्सक्राइबर हैं, वो तो चैनल है, वहाँ पे आपको चैट नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर आप देखोगे कृति महिंद्रास के नाम से तो करीबन 2300 वहाँ पर स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी PDFs वगैरह सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब कोशिश ये रहेगी कि कल मैं आपको जो उसके लिंक है वो भी दोबारा से एक बार मैं शेयर कर दूँ, राइट, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक पर पहुँचना मत भूलिएगा। अब देखो, ये तो न्यूज़ होगी, इसके बारे में बात कर लिए, आगे चलें भाई। अगली न्यूज़ यहाँ पर क्या है, UN ग्रीन क्लाइमेट फंड, हमेशा हम लोग इसके बारे में बात करते आ रहे हैं कि क्लाइमेट क्लाइमेट क्लाइमेट। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है उन्होंने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि वो नॉर्थ कोरिया को कुछ फंड देने वाले हैं ताकि वहाँ पर जो क्लाइमेट को लेके समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान निकाला जा सके। कितना अमाउंट दिया जा रहा है, तो 752,000 डॉलर्स का अमाउंट दिया जा रहा है किसको, नॉर्थ कोरिया को। कौन प्रोवाइड कर रहा है, UN प्रोवाइड कर रहा है। कौन से फंड के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर ये अमाउंट जो है वो दिया जा रहा है। एक सवाल ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो मैं आपको पहले बता दूं, इसके ऊपर सवाल नहीं बनेगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो नॉर्थ कोरिया है वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो UN फ्रेमवर्क यानी कि UNFCC ऐसे ही तो लिखते हैं, इसका यहाँ पे हिस्सा कौन देखने को मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया। दूसरा, पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसको भी साइन किसने किया हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने उसको भी साइन किया हुआ है। यही रीजन है जिसकी वजह से ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो इनको दिया जा रहा है, वरना इनको ये फंड भी ना मिलता, ठीक है। ओके, एक्चुअली बोथ आर करेक्ट, जो आपने पूछा ना चैनल वाला, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही से आपको मिल जाएगा। कल मैं एक काम करती हूँ, कल मैं लिंक लेके चले आती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। कल के सेशन में आपको लिंक भी मिलेगा, परेशान मत हो। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया चलते हैं, जरा घूम के आते हैं, किम जोंग थोड़ा नाराज ना हो जाए हम लोग के वहाँ पहुँचने से। ये रहा नॉर्थ कोरिया, इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा साउथ कोरिया। जो लाइन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं 38 डिग्री पैलेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्थ कोरिया की पेग्योंग मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी कैपिटल होगी, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, सियोल रहेगी, और इसकी भी करेंसी होगी वॉन, इसकी भी करेंसी रहेगी वॉन। ये एरिया है, दिस इज कोरियन पेनिनसुला, ठीक है, ये प्रायद्वीप है। ओके अच्छा, जरा ये बताना, नहीं अभी सवाल है आगे तब बताना, अभी ना बताओ। अब देखो, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन के, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, इनका नाम याद रखिएगा, शिव शर्मा जी हैं जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। कहाँ के भैया, ये DG रह चुके हैं, दूरदर्शन के DG थे, ठीक। चलो स्पोर्ट्स सेक्शन में एक ही न्यूज़ है, सीमा जी इनके ऊपर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है 4 सालों का, क्योंकि इनका हुआ था डोपिंग टेस्ट, और डोपिंग टेस्ट में इनको यहाँ पर जो चार्ज लगा है वो 4 सालों का लगा है। अब ये 4 सालों तक खेल नहीं खेल पाएंगी। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से गेम से जुड़ी हुई है, तो ये वेट लिफ्टर है। अब देखो, डोपिंग टेस्ट आया, वाडा याद आ रहा है, वाडा के लिए मैंने आपको बताया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, और अभी हाल ही में रशिया के ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है वाडा के द्वारा, तो टोक्यो 2020 में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपको याद क्या रखना है, ये नाम कौन से खेल से जुड़ी हुई है, वाडा का हेडक्वार्टर, और किसके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है।
आपका सवाल मैंने पढ़ लिया है। एक्चुअली इट्स अ प्रोटोकॉल, नहीं बता सकते कि बर्थडे कब होता है, फिर कभी। अब देखो स्टेट में आज हम लोग जो स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तेलंगाना। एक बार से देख लो, ये रहा तेलंगाना। कई बार सवाल बन जाता है कि जो तेलंगाना है क्या वो कोस्ट से लगता है, क्या वो सीमा से लगता है, क्या तट से लगता है? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हिस्सा है ये कोस्ट से नहीं लगता, ये है ना कोस्ट, तो ये तो कोस्ट किसका है, ये तो आंध्र प्रदेश का है। तो ये रहा यहाँ पर तेलंगाना। आ जाओ जरा न्यूज़ पे, कब अलग हुआ है ये आंध्र से? तो 2 जून 2014 को अलग हुआ। कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। सीएम कौन है यहाँ पे? चंद्रशेखर राव जी। गवर्नर पूछी जाएंगी तो तमिली साई जी गवर्नर हो जाएंगी। कितने जिले हैं? 33 हैं। हैदराबाद जो है यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है, कौन सी रिवर के किनारे पर है? तो मूसी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट, तेलुगु और उर्दू दो भाषाएं हैं जो यहाँ पर बोली जाती हैं। करेक्ट, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट देखो, लोकसभा सीट्स कितनी है? 17। राज्यसभा सीट्स कितनी है? 7। कौन कौन से राज्य हैं जिसके साथ इसकी सीमा लगती है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। ये तो हो गया एक बेसिक। नेक्स्ट देखो, कौन कौन से यहाँ पे आपको नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती हैं? तो कसुरेड्डी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर नेशनल पार्क है? ये आपको मिलेगा कहाँ? तेलंगाना के अंदर। पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ? तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट देखो, हैदराबाद के अंदर अभी कुछ टाइम पहले लिटरेसी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन से नंबर का? 9th नंबर का ये था। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट, ये भी ऑर्गेनाइज करी गई थी, पहली बार ये ऑर्गेनाइज करी गई कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। मूसी नदी, वेरी गुड। गोमती नदी, अरे गोमती नदी फॉर लखनऊ, आप लोग तो हद है। हाँ, ट्रंप अंकल के बारे में फिर कभी, फिर कभी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया है किसको? कमलेश्वर प्रोजेक्ट को। तो आपको पता होना चाहिए कमलेश्वर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। जरा जल्दी से बताना कौन सी रिवर पर है, नदी का नाम जल्दी से आंसर करो, रिवर का नाम। नेक्स्ट देखो, अमेजोन ने अभी हाल ही में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कैंपस है वो इनोग्रेट किया, कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको न्यूज़ से ध्यान रखने पड़ेंगे। 1956 के ओलंपियन फुटबॉलर जुल्फिकार जी का अभी हाल ही में निधन हुआ, कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या याद रखना, ये वाला, ये अभी हाल ही में लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर। ओके, चलो कोई बात नहीं, जिसने भी बोला है कोई बात नहीं। चलो अब देखो कंट्री में, आज कंट्री में हम लोग ओमान के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओमान इसलिए क्योंकि जो एस जयशंकर जी हैं वो ओमान की यात्रा पे गए हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है। तो ओमान की लोकेशन कहाँ पर है? ये जो जगह है गल्फ नेशंस जो हैं यहाँ पर आपको ओमान देखने को मिलेगा, ठीक है। अब गल्फ नेशंस में ओमान आ गया, तो पहले तो इसका बेसिक, फिर इंडिया और ओमान के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल क्या हो जाएगी? मस्कट होगी। करेंसी क्या होगी? ओमानी रियाल होगी। अगर प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो अब्देल सीसी जी यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट देखो, यहीं पर ओमान में मोटेश्वर मंदिर भी एक है जो कि शिव मंदिर है, और ये कितने साल पुराना है? 125 ईयर्स पुराना मंदिर ये देखने को मिलेगा कहाँ पर? ओमान के अंदर। कुछ टाइम पहले मोदी जी जब ओमान की यात्रा पे गए हुए थे तो उन्होंने यहाँ पर विजिट भी किया था, जिसकी वजह से ये जो मंदिर है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसके बाद ओमान जो है वो ओपेक के देशों का भाग अब नहीं है। ओपेक कौन सी कंट्रीज हैं? ये वो देश आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल या फिर हम कह सकते हैं कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। इसमें अभी कुछ टाइम पहले ही इक्वाडोर और ओमान दोनों ही ऐसे यहाँ पर कंट्रीज हैं जो इससे बाहर हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओमान जो है वो GCC का मेंबर है, गल्फ काउंसिल है ये, जिसके अंदर हम लोग को वो सारी कंट्रीज देखने को मिलती हैं, या हम कह लें कि इस्लामिक कंट्रीज के ही एक ग्रुप है, ठीक है। गल्फ नेशंस हैं और ओमान इसका एक हिस्सा है। ये तो हुआ बेसिक, इसको किनारे करते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन पॉइंट पर आते हैं। इंडिया ओमान के बीच में मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किए गए। मैरीटाइम का मतलब क्या हो गया? नेवी से जुड़ा हुआ, ठीक है, यानी कि ओशन से जुड़ा है। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, डेकम पोर्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एंड आई थिंक 2016 या 17 में UPSC का जो IAS का प्री का एग्जाम था उसमें सवाल पूछा भी गया था कि डेकम पोर्ट जो है वो कौन सी कंट्री में। एक्चुअली में उसमें मैच करने को आया था, एक तरफ पोर्ट्स के नाम एक तरफ कंट्रीज के नाम थे, ठीक है। तो डेकम पोर्ट जो है ये कौन सी कंट्री का है? ओमान का है। इसको इंडियन नेवी को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए ओमान ने परमिशन दे दी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ मैप पे, ये देखो ओमान नजर आ रहा है सबको। ओमान में यहाँ पे देखोगे तो ये है डेकम पोर्ट, इधर की तरफ देखो तो यहाँ पाकिस्तान नजर आ रहा है, और ये क्या है? ग्वादर पोर्ट, जिसको डेवलप करने का जो काम है वो कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। और ये जो एरिया है ये अब कौन एक्सेस कर पाएगा? इंडिया एक्सेस कर पाएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो रूट है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओमान UAE के साथ और यमन, इन दोनों देशों के साथ अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। ऊपर की तरफ देखोगे तो पर्शिया की खाड़ी है, यहाँ पर मिलेगा आपको गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी।
इन दोनों को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके इसको सेव कर लीजिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो पर्शिया की खाड़ी को जोड़ता है किससे? ओमान की खाड़ी से। और यहीं ओमान की खाड़ी में ईरान नजर आ रहा है ना, ईरान है ना, तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा चाबहार पोर्ट, जिसको डेवलप कौन कर रहा है? इंडिया डेवलप कर रहा है। इसकी वजह से ये जो लोकेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री को यहाँ से इधर आना होगा तो वो क्रॉस कहाँ से करेगा? ओमान से ही तो क्रॉस करेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पहले तो जल्दी से बताओ हाउ वाज़ द सेशन, लेकिन उससे पहले सवाल, इन सब के फटाफट से हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ये पूछे गए थे IBPS SO के एग्जाम में, और अगर यार उसके बाद भी अगर करंट अफेयर गलत करके आए हो ना, कुछ नहीं हो सकता फिर, अब तो गलत हो ही गए ना। देखिए, सबसे पहला सवाल पूछा गया था COP25, इसको कहाँ पर अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, तो आंसर क्या बनेगा? स्पेन रहेगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल था 13th साउथ एशियन गेम्स जो हैं ये अभी हाल ही में कहाँ पर खेले गए, तो ये ऑर्गेनाइज किए गए थे कहाँ पर? नेपाल के काठमांडू के अंदर। और नंबर वन पे कौन सी कंट्री रही थी? इंडिया आपको नंबर वन पे देखने को मिला। नेक्स्ट देखो, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो भी छठी बार? आंसर क्या बनेगा? भाई मेसी के होते हुए रोनाल्डो को तो जाएगा नहीं, वैसे हो सकता है, बट सिक्स टाइम किसको मिला है? ये भी मेसी को मिला है। कौन सी कंट्री से बिलोंग? कंट्री बोला है, क्लब नहीं बोला है, कंट्री अर्जेंटीना हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, प्रवीण जगन्नाथ ये अभी हाल ही में कहाँ के PM के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो जल्दी से, अच्छा चलो मैं बता दें, मॉरिशियस के यहाँ पे PM के रूप में इनकी नियुक्ति करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आसियान का जो सम्मेलन है 2019 का, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? सवाल में ये पूछा गया था कहाँ पर आयोजित किया गया था ये, तो बैंकॉक के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, कौन सा वाला एडिशन था? तो 35th एडिशन ये रहा था। नेक्स्ट देखो, प्यूमा के एम्बेसडर, मतलब अभी ये मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा लेटेस्ट यहाँ पे सवाल जो है उठा के पूछे जा रहे हैं। प्यूमा के एम्बेसडर 3 सालों के लिए सुनील छेत्री जी को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट देखो, नागरहोल नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, या ये मुझे बताना पड़ेगा अब तो, मतलब ऐसे ना हो पाएगा, आप लोगों को ये सब चीज़ें तो बेसिक्स हैं, पता होना चाहिए कहाँ पर है। ये मिलेगा कर्नाटका के अंदर। गॉट इट, बात समझ में आ गई? तो इतने सवाल आज हम लोग डिस्कस किए, और जो क्वेश्चन थे वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। 3 दिन का जितना करंट अफेयर्स था मैंने आपके साथ सारा शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा कृति महिंद्राज के नाम से, ध्यान रखिएगा, एक है चैनल, एक है टेलीग्राम वाला, करीबन 2300 के आसपास स्टूडेंट हैं, वो वाला आपको ज्वाइन करना है, उस पर आपको सारे PDFs मिल जाएंगे। ठीक है, ज़रा इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो होमवर्क क्या है, आंसर कहाँ आएगा? कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों के जो सवाल थे ना, सारे सवाल मैंने पढ़ लिए, अभी कमेंट सेक्शन में 15 मिनट बाद एक बार चेक कर लेना, सारे के सारे आंसर जो हैं वो हम वहीं पर कर देंगे मेंटोर GAGS के नाम से। अब देखो, आपको ये बता दें कि जो कुछ क्लासेस हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्लास का टाइम पता नहीं होता है, तो SSC के जो क्लासेस चल रहे हैं, जो बैचेस चल रहे हैं, इसमें आपके साथ जुड़ते हैं रीजनिंग का क्लास लेके अतुल महिंद्राज सर, कितने बजे? 2:30 बजे सर का क्लास होता है, तो सर के साथ कनेक्ट होना नहीं भूलना है आपको। नेक्स्ट देखो, एक और आपको क्लास बता दें, क्योंकि अब ये जो क्लास है ये रीजनिंग के महागुरु यानी कि बसंत सर आपके लिए ये क्लासेस लेकर आ रहे हैं। किसके लिए है? RBI के लिए है। और इसका जो टाइम है वो कितने बजे? 1 बजे। RBI SBI मतलब सेम है यार, यहाँ पे फाउंडेशन बैचेस की शुरुआत हो रही है। पहला क्लास रीजनिंग का महागुरु के साथ कितने बजे जोड़ना है? 1 बजे सर के साथ कनेक्ट होना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे प्रबल महिंद्रा सर, सब लोग जानते हैं इनके बारे में, इज अ स्टार फैकल्टी। अब यहाँ पर इनका जो क्लास है सबसे पहला वाला, वो आपको मिलता है 9 बजे, और जो दूसरा क्लास है वो आपको मिलेगा यार शाम के टाइम में 4 बजे, तो सर के साथ आपको कनेक्ट होना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो फटाफट से बता दो, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट है, कमेंट करना मत भूलना, और एट लास्ट अगर सेशन पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर से करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल सुबह, और PDF के लिंक जो है वो भी आपको बता देंगे, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी कल आपके साथ शेयर कर देंगे। अगला सेशन आपके लिए है एडिटोरियल का, तो जुड़े रहिए महिंद्राज के साथ, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए अलविदा।